हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो लोग नए हैं मैं बता देना चाहूंगा कि यहां पे सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। तो जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में आ जाएँ और वहाँ आकर आपको जो भी विषय पढ़ने हैं आप आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और हम कितना बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, देखिए जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपकी होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, जिंदगी में सक्सेस होना है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो यह बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी पूरी हुई है। ठीक है, और सब कुछ के बदले सिर्फ एक चीज़ दोस्तों, कि अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। बस एक निवेदन है आपसे, वो भी कब, जब आपको लगे, आपका दिल करे कि वाकई नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप एडवर्टीजमेंट को पूरा देख लिया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रहा दोस्तों कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का है। अरे यार, मैं तो पहले ही बोल दिया कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये किस समुदाय से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। और दिलवाड़ा पड़ता कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ता है। किस ज़िले में, राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ता है। और सिरोही ज़िले में दोस्तों माउंट आबू नगर है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, और यहां पर जो जैन मंदिर है तीर्थंकर को समर्पित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और यहां पे एग्जांपल के रूप में आप याद रखिए, एग्जांपल क्या मतलब, एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, किस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था पाल बंधुओं ने। पाल बंधु में कौन कौन शामिल थे, एक का नाम था वास्तुपाल, दूसरे का नाम था तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल ने मिलकर के दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था 1231 में। ठीक है, 1231 में याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी। बड़ा आसान सा प्रश्न दे दिया, शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ाई गई थी, तो हुई थी दोस्तों, इसका नाम था कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई को एक और नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। मैंने आपसे कहा था दोस्तों बिलग्राम, तो यहाँ देखिए बिल यानी जीरो, ठीक है, जीरो जैसा बिल होता है, तो यहाँ पर देखिए 40 है। ठीक है, तो इसको करके याद रखें, क्योंकि दो युद्ध हुए थे शेरशाह और हुमायूं के बीच में। पहले वाले युद्ध का नाम क्या था, उसका नाम था चौसा का युद्ध, जो कि एक साल पहले हुआ था 1539 में, चौसा का युद्ध। 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, बात एक ही है। तो याद रहेगा आपको, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस लड़ाई में हुमायूं की बुरी तरीके से हार हुई, इसके बाद हुमायूं जो है भारत छोड़कर निर्वासित हो गया था, बाहर चला गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, गणेश महोत्सव किसने शुरू किया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था गणेश महोत्सव। इसके अलावा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव स्टार्ट ही किया, जो आजकल दोस्तों गणपति उत्सव के रूप में फेमस है, आपको पता होगा। इसके अलावा इनकी दो पत्रिकाएं भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, एक का नाम है दोस्तों मराठा। देखिए क्या होता है ना, कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है उसके बारे में आप और डिटेल से जानो। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि गणेश महोत्सव किसने किया, तो एक लाइन की बात है यार कि लोकमान तिलक ने किया, लेकिन लोकमान तिलक ने और क्या क्या काम किया, या इससे संबंधित और कितने प्रश्न बन सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो लोकमान तिलक की दो पत्रिकाएँ हैं जो कि बहुत फेमस है, एक का नाम है मराठा और दूसरे का नाम है केसरी। मराठा और केसरी, ये दो पत्रिकाएँ उनकी बहुत फेमस है, जिसका संपादन उन्होंने किया था। ठीक है, और पत्रकारिता के कारण सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति भी कौन थे, तो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। इनको 1882 में जेल भी भेजा गया था, किस मामले में, पत्रकारिता के मामले में इनको सजा हुई थी। ठीक है, और आगे दोस्तों इन्होंने कई सारे आंदोलन भी चलाया था। महाराष्ट्र में इनका सबसे पहला आंदोलन जो था वो था कर न देने का आंदोलन, मतलब ये जो थे ये जनता को इस बात के लिए मोटिवेट करते थे कि हमें गवर्नमेंट को कर नहीं देना चाहिए, इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और इसी दौरान जनता ने इन्हें जो है लोकमान्य तिलक की उपाधि दिया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। एक किताब दोस्तों इनकी बहुत फेमस, जिसका नाम है गीता रहस्य, सुना होगा आपने गीता रहस्य। ठीक है, जो कि इन्होंने जेल में बैठकर लिखा था एक किताब, तो मांडले जेल में उस समय बंद थे वर्मा में। ठीक है, उस दौरान इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किया था।
तो ये सारा चीज याद रखिए। अच्छा, इनको जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था या जन्मदाता कहा जाता था। किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये सारी चीज याद रखिए, ठीक है। और शिवाजी उत्सव था दोस्तों, ये भी किसने शुरू कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। एक गणपति उत्सव, एक शिवाजी उत्सव, दोनों याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ये नारा कब दिया गया था, करो या मरो? तो पहली बात तो दोस्तों, इस नारा को दिया था महात्मा गांधी जी ने। और कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उस दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त। डेट याद रखे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 8 अगस्त 1942 में बंबई में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पे इस प्रस्ताव को पारित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। अच्छा, ये अगस्त में हुआ था, इस वजह से दोस्तों इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अलग से नहीं है, यही अगस्त क्रांति भी है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही, अच्छा 9 तारीख को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने डर करके कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिसको कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर। और सभी बड़े नेताओं को जो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। तो याद रखिए, करो या मरो का नारा, यानी डू आर डाई का नारा, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। मतलब उनको भी पता चला गया कि अंग्रेजों के साथ अहिंसा के साथ पेश नहीं आया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने नारा दिया करो या मरो, ठीक है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चौरा चौरी कांड के बाद क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और आगे चल के सोचिए, 1922 में चौरा चौरी कांड, और 20 साल बाद, 22 से 32 और 32 से 42, 20 साल बाद ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो बातें थी उनको त्याग करके ये नारा दे दिया कि करो या मरो, डू आर डाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है सिंपली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? अब देखिए, कई लोग यहाँ पर 26 नवंबर करने वाले हैं, कई लोग जो है 26 जनवरी करने वाले हैं, कई लोग 15 अगस्त करने वाले हैं। तो एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर क्या सही होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, तो याद रखिए पूरे अस्तित्व की बात हमेशा होता है। तो ये अस्तित्व में अगर कब आया, तो आप वहाँ पर 26 नवंबर 1949 बोलिए, और यहाँ पर डेट दे रहा है, क्या दे रहा है, 1948 दे रहा है, यानी ये तो नहीं होगा। और प्रभावी कब से होता है, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी होता है। तो 48 है ना, 49 में कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949 में जो है ये संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और बहुत सारे चीजों को लागू कर दिया गया उठा के 26 जनवरी को, और कुछ चीज़ों को यहाँ पर रोका गया था, ये भी याद रखिए। तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 15 अगस्त दे रहा है 1947, तो इस दिन तो हमारी आज़ादी की घोषणा हुई थी, ठीक है, ये सारा चीज़ याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार एवं वन और वन जीव सुरक्षा जो ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा दोस्तों, 48A जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, क्योंकि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 लेके अनुच्छेद 51 तक बताया गया है, यानी भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद में एक अनुच्छेद पड़ता है 48A, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखे दोस्तों, ये नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, हाँ ये तो दिया तो है, राज्य का नीति निदेशक तत्व। और ये लिया कहाँ से गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ये भी आपको याद होगा। तो ये चीज़ें आप पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लोकसभा के अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है, कितने साल की अवधि के लिए लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है? तो जितना सर सबका कार्यकाल उतना उतना लोकसभा अध्यक्ष का भी होता है, 5 साल होता है सामान्यतः ना, 5 साल होता है तो 5 साल इसका भी कार्यकाल होता है। हाँ, एक चीज याद रखिए दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जैसे राज्यपाल धारण करता है उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष भी प्रसाद पर्यंत पद जो है अपना धारण करता है। ये जो टिपिकल पॉइंट है ना, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो रही है, क्या कह रहा है, राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी होती है? तो याद रखिए दोस्तों, 530 होती है। एक्चुअली में हम पढ़ते हैं 552,
एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, 552, ठीक है। तो 552 में से 530 राज्यों से होते हैं, 20 जो लोग होते हैं वो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है, इसमें से आते हैं। हाँ, एक बात याद रखेगा कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है दोस्तों, ये आपका संघ शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ पर लोकसभा, सॉरी यहाँ पर इनकी विधानसभाएँ हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये एकदम अलग से प्रश्न है फिलहाल के लिए। तो 530 तो आपके जो है चुन करके आते हैं, और 20 जो है आपके ये संघ शासित प्रदेशों से आ जाते हैं। और दो आंग्ल भारतीयों को चुनना रहता है, जो कि कौन करता है, मनोनीत करता है, वो आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कुल मिला जुलाकर यहां पर कितना हो जाएगा राज्यों से, 530 हो जाएगा। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो याद रखें दोस्तों, ये संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अगर हम ये भी बोल दें आपसे कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है ये किस वजह से होती है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, यहां पे एक और वर्ड लगाइए आगे, नाभिकीय, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की वजह से होती है, विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में होता है क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं वो मिलकर के जो है हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, और इससे एक अपार ऊर्जा निकलती है, विमुक्त होती है, ठीक है, और वही क्या कराता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, हिमालय पर्वत, एक्चुअली में तो इसको वलित पर्वत कहा जाता है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर आप परतदार पर्वत का भी जो है नाम ले सकते हैं, वलित पर्वत या परतदार पर्वत, याद रहेगा आपको। अब देखिए एक लाइन में बात समझिएगा, वलित पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के कारण हुआ है। वलन क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ये कोई प्लेट है, इस पर इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जो प्लेट होगी ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगी, है कि नहीं, और यही क्या होता है वलन, वलन माने होता है मुड़ जाना, वलन माने क्या होता है मुड़ जाना। तो वलन की प्रक्रिया के तहत दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्योंकि आपको ही पता था कि पहले यहां पर टेथिस सागर था, है कि नहीं, और ये धीरे धीरे मलबे के रूप में तब्दील हो गया, और बाद में वलन की प्रक्रिया की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हालांकि ऐसा लाखों वर्षों में हुआ है, बट मानने के लिए हम यही मानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परतदार पर्वत, याद रहेगा आपका परतदार पर्वत। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन पर्वतों की बात करें तो भारत में जो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक गिनी जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, वलित पर्वत का अगर आपसे उदाहरण पूछे तो हिमालय तो है ही है, हिमालय के अलावा भी आप किनको बोल सकते हैं, तो आल्पस पर्वत का नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी आपके वलित पर्वत का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि भारत में पूछ रहा है, तो याद रखिए भारत में तो वैसे देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत किया था, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन ने किया था, किसने, एम एस स्वामीनाथन ने। तो यहां पर कह रहा भारत में हरित क्रांति का जनक, देखिए अभी ये थोड़ा सा यहां पर रॉन्ग क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यहां पर जो श्रेय जाता है वो जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को, तो ये याद रखिएगा। अब उनके न रहने पे आप जो है नॉर्मन बुरलाग को ही टिक करिए, आपके पास कोई ऑप्शन तो बनता नहीं है, अगर होता तो वही होता। चलिए आगे, भारत का कौन सा राज्य सौर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा राज्य है जो सौर उत्पादन में सबसे आगे है, तो याद रखिए राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य सौर उत्पादन में सबसे आगे, यहाँ पर लगभग 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे आपका कौन है, राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। लाइन से याद कर लीजिए दोस्तों, फिर एक बार बोलना चाहूंगा, पहले नंबर पे आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका एमपी है, तीसरे नंबर पे दो है आपका, सॉरी दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है, तीसरे नंबर पे आपका एमपी है, और चौथे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, ठीक है। सारे प्रश्नों को याद रखा करिए जो भी बताए जाते हैं, खाली सुनने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अगर नोट डाउन कर लेंगे या याद करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। कर भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, या बता दीजिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये गोरखपुर में है दोस्तों, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जो कि कितना लंबा है, तो 1.34 किलोमीटर, कितना है 1.34 किलोमीटर की बात करो, मीटर में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए। और यहाँ पर ऐसा है दोस्तों कि याद रखिए 25-25 अगर बोगियाँ हो तो 25-25 बोगियों को लेकर के दो ट्रेनें आमने सामने एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा प्लेटफार्म है। इसके बाद नंबर दो पे कौन आता है दोस्तों, तो खड़गपुर का नाम आता है, नंबर दो पर खड़गपुर का नाम आता है, नंबर तीन पर दोस्तों, अच्छा खड़गपुर भी आपके भारत में है, ठीक है, नंबर तीन पर जाके नाम आता है शिकागो के स्टेशन का, ठीक है, वो आता है नंबर तीन पर, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, हाँ ये प्रश्न
प्रश्न बहुत सारे लोग गलत करते हैं। देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, इनका लेखा वर्ष होता है अप्रैल से मार्च। कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, क्लोजिंग पीरियड। बट जो रिजर्व बैंक का दोस्तों, इसका जुलाई से जून होता है, 1 जुलाई से लेकर स्टार्ट होता है और 30 जून तक जो आपका चलता है। तो 1 जुलाई से 30 जून याद रहेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये मिजोरम में, यहाँ जितने दे रहे हैं इनमें जो है मिजोरम में ज़्यादा है। और अगर आपसे आप बात करेंगे नॉर्मली, तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वहाँ 93.91% था, अब तो जो है 100% साक्षरता भी वहाँ आ चुकी है। और इन विकल्पों की बात करेंगे तो यहाँ पर मिजोरम आगे है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग में वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किसने बदलने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों मोदी जी की नई योजना है और इस योजना में कितना रखा गया, 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। जो पंचवर्षीय योजनाएँ थी इनको हटा करके 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट में बदलने का निर्देश दिया गया है, जो कि तैयारी किया है किसने, हमारे नीति आयोग ने, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? अब तो गलती मत करना भाई, यानी सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश जहां पर दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत होती है, सदिश, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कह रहा है कौन सी सदिश राशि नहीं, आपको ये बताना। तो यहां पर जो कार्य है दोस्तों, कार्य सदिश राशि नहीं होती। कार्य क्या होता है? एक तरह की अदिश राशि माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, एक प्रकार की अदिश राशि माना जाता है। चलिए, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ तो आप फिजिक्स वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है, ये किससे बना होता है, आपको ये बताना है। ये टंगस्टन का बना होता है, बिजली का फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन ही क्यों जरूरी है दोस्तों, तो याद रखें टंगस्टन एक तत्व है जिसका इस्तेमाल जो है बल्ब के रेशों के निर्माण के लिए किया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ की जो है, इसके अंदर गलनांक की सबसे उच्च क्षमता होती है, और कितनी होती है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस तक की गलनांक की क्षमता होती है। इस वजह से दोस्तों बल्ब के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखिए आर्गन गैस होती है। कौन सी? आर्गन गैस होती है, ठीक है। करा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, फटाफट याद कर लीजिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है और परमाणु संख्या भी इसका 1 होता है। परमाणु भार देखिए अलग अलग होता है, तो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं ये सारी चीज़ें आपको याद करा दूंगा। आगे एलपीजी का जो मिश्रण है दोस्तों, ये क्या कहा जाता है, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और एलपीजी जो आप लिखते हो, एलपीजी एल्फार होता है, लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये बना होता है किससे, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसके अंदर दोस्तों एक मरकटन नामक पदार्थ भी लगाया जाता है, जिसके वजह से इसकी गंध आती है हमारे तक, यानी अगर कभी भी गैस अगर लीक कर रहा हो तो उसका गंध हमारे तक पहुंच पाता है। ये किस वजह से होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा मरकटन। क्या नाम है? मरकटन की वजह से, ठीक है। आगे है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना आपको, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों यह सिद्धांत दिया था सिल्डर और स्वान ने। किसने? सिल्डर और स्वान ने, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे पहले कोशिका को देखा किसने था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पता लगाया था 1665 में, ठीक है। लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन और स्वान ने किया था, ठीक है। और एक चीज और याद रखें, कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही जाती है, ये प्रश्न भी आपको याद रहे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मूत्र में पाया जाता है? तो याद रखिए क्रिएटिनिन। कौन सा? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन होता है क्या दोस्तों? ये एक तरह का रासायनिक अपशिष्ट होता है जो कि मानव मूत्र में ही पाया जाता है स्पेशली। और क्रिएटिनिन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं बता सकता, हाँ ये जरूर कहूँगा कि क्रिएटिन जो होता है ये मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, ये आपको याद रखने लायक है, ठीक है। और मानव मूत्र के साथ उत्सर्जित होकर ये हमारे शरीर से बाहर आता है। आगे प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है किस रूप में, ठीक है, किस रूप में? तो याद रखें दोस्तों एक क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में किस रूप में होता है? क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है, तभी तो यहाँ पर खाना पीना बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार दोस्तों किया था, केवल माउस का आविष्कार आपसे पूछ रहा किसने किया था, तो डगलस एंजल बर्ट ने किया था। किसने? डगलस एंजल बर्ट ने माउस का आविष्कार
किया था, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, एक आईपी एड्रेस में बिट कितने होते हैं, तो 32 बिट का दोस्तों एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके प्रचालन सिस्टम को याद रखिए, IPv4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IPv4 माना जाता है। और सबसे पहले आईपी एड्रेस का जो है प्रयोग जो किया गया वो कब किया गया था, तो 1995 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब तो मान लीजिए IPv6 वगैरह भी आ गए हैं जो कि 128 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने समय तक दोस्तों आपका 32 बिट ही चला करता, तो जब भी एग्जाम में पूछे तो 32 बिट ही आप टिक करिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर भी यही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, कौन सा सर्वोच्च है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार दोस्तों, ये पर्यावरण संरक्षण का एक पुरस्कार है और प्रोत्साहित करने के लिए काम दिया जाता है, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको भी पता है कि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा हुआ है दोस्तों। यह पश्चिम बंगाल में, यहीं पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से याद रखिए। और बाकी यह क्षेत्र जो है मैग्रोव के बने जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, राइट आंसर। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया, जिसे क्या नाम दिया था? तो पहला उपग्रह का नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। जो पहला सेटेलाइट भारत ने तैयार किया था इसरो ने, उसका नाम क्या था? आपका आर्यभट्ट नाम था। और याद रखिएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है इसरो, ठीक है। और ये भारत के महान खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर दोस्तों इनका नाम रखा गया। और प्रक्षेपित कब किया गया? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया 1975 में, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। करा इग्नेटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इग्नेटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम की किताब है दोस्तों, इग्नेटेड माइंड्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत अच्छी किताब है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा इग्नेटेड माइंड्स। इसके अलावा दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, इनकी सबसे फेमस किताब है विंग्स ऑफ फायर। और एक और किताब है दोस्तों इंडिया माई ड्रीम, क्या नाम है? इंडिया माई ड्रीम, ये भी इन्हीं की किताब है, बहुत फेमस है, इंडिया माई ड्रीम, ठीक है, इंडिया माई ड्रीम। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गरबा, गरबा किस राज्य का जो लोक नृत्य है आपको बताना है। तो गुजरात का नृत्य है दोस्तों गरबा, कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। गुजरात ही नहीं दोस्तों, गुजरात के अलावा राजस्थान और मालवा प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर भी यह एक प्रचलित लोक नृत्य है। हाँ, इसका उद्गम जरूर गुजरात में है, लेकिन अब जो है इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक हो चुका है। तो ये एकदम याद रखिएगा आप अच्छे से, गरबा महोत्सव। इसके अलावा नवरात्रि में इसको मनाया जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसमें जो है ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके औरतें जो डांस करती हैं, बड़ा फेमस स्टाइल है गरबा डांस या डांडिया डांस, ठीक है, याद रखिएगा। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उनको मिला था? तो याद रखिएगा भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये बैडमिंटन से संबंधित कप है, उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब मैं एक साथ ही आपको दोस्तों बैडमिंटन के बारे में बता दूं, इससे संबंधित और भी कप है। देखिए थॉमस कप, नारंग कप, याद रखिए थॉमस कप और नारंग कप, थॉमस कप और नारंग कप और चड्ढा कप, ये तीन कप है दोस्तों जो बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप तो आपने देख ही लिया, उबेर, थॉमस, नारंग, चड्ढा, ठीक है। फुटबॉल में आएगा दोस्तों जब बात, तो आता है डूरंड का, संतोष ट्रॉफी का और रोवर्स का, ये तीनों कप संबंधित किससे? फुटबॉल से। और बस इतना याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है? वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, बट महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस और 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। इसको कब से मनाया जा रहा? तो 1991 में जो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था, ठीक है, तभी से मनाया जा रहा है। आगे ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? ग्रेनेड का नाम सुना होगा, इसकी प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? तो 30 मीटर से ऊपर होती है। कितना? 30 मीटर से ऊपर होती है इसकी रेंज, ये आप याद रखेगा। तो वैसे तो ग्रेनेड जो होते हैं कई सारी श्रेणियों में बटे होते हैं और सबकी अलग अलग रेंज होती है, बट फिर भी आप एक 30 मीटर की ऊंचाई आप यहाँ पर ले सकते हो। आगे है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो भीमसेन जोशी जी जो है किराना घराना से संबंधित है दोस्तों। मैंने सभी किराना घराने को पढ़ाया, लखनऊ, बनारस, आगरा, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका
किराना घराना जितने भी हैं सब पढ़ाया हूँ। तो याद रखिएगा भीमसेन जोशी जी का संबंध किससे है, किराना घराना है, किराना घराना से है, ठीक है। चलिए कुछ और भी याद रखिए, जैसे आपसे पूछता है कि बनारस घराने के प्रमुख गायक कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा राम सेवक मिश्रा, शिव नारायण मिश्रा, नागेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ये लोग जो हैं ये बनारस घराने से थे। लखनऊ घराना दोस्तों ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध था, जैसे नसीर खां, गुलाम हुसैन, गणपत राव, ये सब जो लोग थे ये आपके किससे संबंधित थे, लखनऊ घराना से संबंधित थे। तो उसी तरह से जो भीमसेन जोशी जी थे ये किराना घराना से संबंधित थे, ठीक है। ये सब याद रखिए, जितना भी याद रख सकते हैं मैक्सिमम। आगे है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, किसमें नहीं है ये बताना आपको। तो गेहूं में, गन्ना में, जौ में, इन सभी में, चावल में नहीं दोस्तों, चावल में आपका पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नाम नहीं आता है। और अगर प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो गेहूं में भी नहीं आएगा और गन्ना में तो अब फेल हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बचा खुचा जौ, तो जौ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस समय अगर हम करंट में पोजीशन देखें दोस्तों, इस समय का एकदम करंट देखेंगे तो जौ में दोस्तों राजस्थान का पहला स्थान हो गया, अब जो है उत्तर प्रदेश का स्थान भी हट गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे वर्ष 2017 के फुटबॉल टूर्नामेंट कॉन्फेडरेशन कप की विजेता टीम का नाम आपको बताना है, कौन सी टीम विजेता हुई थी। तो याद रखिएगा जर्मनी की टीम जो है विजेता हुई थी, और इसने किसको हराया था, तो इसने चिली को हराया था 1-0 से, ठीक है, चिली को हराया था 1-0 से, याद रहेगा फुटबॉल कॉन्फेडेंशनल कॉन्फेडरेशन कप, ठीक है। आगे जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है उसका नाम आपको बताना है, जिसमें जीएसटी संबंधित संशोधन किया गया था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, 122वां। आगे देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों याद रखिए ह्यूगो डिब्रीज, ये प्रश्न तो नोट ही कर लीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत करने वाले हैं। तो ह्यूगो डिब्रीज ने दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, याद रहेगा आपको कि भूल जाएंगे, सच में याद रखिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कहो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बता भी दे रहा हूँ। देखो उत्परिवर्तन क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जीन का नाम सुना आपने, जीन, तो जीन अनुवांशिकता जो होता है ये हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है, और इसी से हमारा जो है डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो डीएनए में हमेशा क्या होता है, कोई स्थानीय परिवर्तन अगर होता है डीएनए में, चेंजिंग होती है, तो फिर उसे हम उत्परिवर्तन का नाम देते हैं, जिसका सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिब्रीज ने, बस इतनी सी बात है। आगे तरह दोस्तों गुर्दे की पथरी जो होती है किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, किससे होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बीसीजी का टीका किससे संरक्षण के लिए दिया जाता है, बीसीजी का टीका, तो याद रखिए क्षय रोग, टीबी रोग से बचने के लिए दोस्तों बीसीजी का टीका दिया जाता है, और इसका वैसे पूरा नाम क्या, बी फार हो जाता है बैसिलस, सी फार हो जाता है कैलेमिटी, और जी फार होता है ग्यूरिन, ठीक है। तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन इसका पूरा नाम है, ठीक है, जिसके माध्यम से टीबी रोग का जांच किया जाता है। और टीबी रोग के लिए दोस्तों माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम सुना होगा आपने, इस नाम का एक जीवाणु होता है जो कि उत्तरदायी होता है, और जिसकी खोज सबसे पहले एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था, इसका नाम था रॉबर्ट कोच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर मैंगी फेरा इंडिका जो है किसका नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मैंगी फेरा इंडिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस तरह के जो आम होते हैं इस नस्ल के, यह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि देशों में पाए जाते हैं, बाकी में नहीं, ठीक है। और जो आम है दोस्तों ये कई जगह का राष्ट्रीय फल भी है, जैसे पाकिस्तान का और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आपका आम है। आगे सीपीयू में क्या होता है दोस्तों, तो एएलयू, ठीक है, सी यू और एम यू, ये तीन चीज़ों को लेके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये भी सुन लीजिए। देखिए सी पी यू में क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये भी होता है, रजिस्टर भी होता है, कंट्रोल भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो दे रहा है दोस्तों ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। आगे देखिए ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। तो इसका आविष्कार किया था दोस्तों वी ए शिवा अय्या दुराई ने, किसने किया था, ईमेल का आविष्कार किया था वी ए शिवा अय्या दुराई, कैसे किया था दोस्तों, तो अभी आप एक बात याद रखिए। देखिए ईमेल की खोज जो हुई थी वो मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम शिवा अय्या दुराई, ठीक है, उन्होंने किया था सबसे पहले, मात्र 14 साल उनकी उम्र थी तभी उन्होंने ईमेल सिस्टम का जो है तैयार कर लिया और दुनिया के सामने लेके आया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला है रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है, रेड डेटा बुक जो होता है इसमें किसका विवरण दर्ज होता है, तो याद रखिए जो भी संकटग्रस्त पौधे हैं और जीव हैं उन सभी का जो है नाम यहाँ पर दर्ज किया जाता है। तो इसके लिए एक अलग से सोसाइटी हुई जिसका नाम है IUCN, ठीक है,
IUE, IUCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो रेड डेटा बुक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, रेड डेटा सूची की शुरुआत कब से हुआ था भारत में, तो 1963 से स्टार्ट हुआ है। कब से? 1963 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं पूछ रहा आपसे, ओलंपिक दिवस पूछ रहा है। तो याद रखें दोस्तों, ये मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। 1948 से हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब? तो आपका 23 जून को, ठीक है। 23 जून, 23 जून, 23 जून, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू, अभी कुछ दिन जो दोस्तों बड़ा नामी में था, ठीक है। जल्लीकट्टू के बारे में सुना होगा आपने। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ कौन है? त्रिचूर, ओडम, कार्तिकाई, पोंगल, कौन इससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, पोंगल जो है दोस्तों ये जुड़ा हुआ है किससे? आपके जल्लीकट्टू से। क्यों? क्योंकि जो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का ही एक पारंपरिक खेल है, जो कि पोंगल त्यौहार के दौरान आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है रागिनी, किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है रागिनी? तो ये आपको बताना दोस्तों, तो हरियाणा की लोकप्रिय गीत शैली है रागिनी, जिसका नाम है, ठीक है। इस शैली में बहुविधा के गीतों को पेश किया जाता है, और शास्त्रीय संगीत में जो जगह राग के लिए नियत होता है, ठीक है, स्थायी होता है, वही लोक गायन में वही रागिनी को प्राप्त है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, जिन्होंने भारत से ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो ये आपको बताना दोस्तों, तो भानु अथैया जी को मिला था सबसे पहली बार ऑस्कर, ठीक है। कब मिला था? तो 28 अप्रैल 1929 को जो इनको ऑस्कर दिया गया था, ठीक है। भानु अथैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर, 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 ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आज के लिए दोस्तों को आखिरी प्रश्न है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। क्या बोला गया था? 26 जुलाई को ये लड़ाई हुई थी, 26 जुलाई 1999 को, ठीक है। 1999 में लड़ाई हुई थी दोस्तों, और इसमें उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए, कई सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं हमारी, जैसे 1947 में हुई थी पाकिस्तान के साथ, फिर 65 में हुई थी, फिर 71 में हुई, फिर 1999 में हुई, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बस एक बात कहना चाहूँगा, अगर वेबसाइट पर आपको विजिट करना हो, वहाँ जाके अगर नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, study91.org पर, ठीक है। वहाँ जा करके आप बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मौका मिले, थोड़ा समय हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इस वीडियो को देख पाएं और समझ पाएं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।